नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे, जैसा कि आप जानते होंगे, यह टॉपिक आपको सीटेट में पास करा सकता है या अथवा आपको फंसा भी सकता है। इसके संदर्भ में हमको कई वीडियो बनाने पड़े हैं क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और इसके संदर्भ में कई पॉइंट्स आते हैं इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम बहुत तेज़ी से चलते हैं। तो पहला पॉइंट यह है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? हु गिवेन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जीन पियाजे, जैसा कि आप जानते हैं। आगे पढ़ने से पहले सब एक बात स्पष्ट करने चाहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का संदर्भ क्या है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते किसे हम या संज्ञान किसे कहते हैं। संज्ञात्मक विकास से संदर्भ है कि बालक के अंदर संज्ञात्मक कौशल के विकास से है, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल इन द चाइल्ड, जैसे कि सोचने की क्षमता, चिंतन की क्षमता, स्मृति की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, मनन, कल्पना इत्यादि करने की क्षमताओं को, जैसे इंग्लिश बोले रिमेम्बरिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन और थिंकिंग, रीजनिंग एक्सेट्रा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अपने के लिए बालक अपने बड़ों पर आश्रित नहीं होता, बल्कि वह अपने संज्ञान का विकास स्वयं करता है। जैसा कि अगले पॉइंट में हमने क्लियर किया हुआ है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जीन पियाजे की, उन्होंने जो दिया वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जैविक रचनावादी थे, जिसके अनुसार बालक अपने वातावरण के साथ अनुकूलन के लिए अपने संज्ञात्मक विकास को परिणाम देता है। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड कॉग्निटिव स्किल फॉर एडाप्टेशन विद इन्वायरमेंट। जैसे रचनावाद की बात करते हैं, रचनावाद की कई शाखाएं चलती हैं, जैसे जैविक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद। जैविक रचनावाद में तो हमारे जीन पियाजे का नाम आता है और सामाजिक रचनावाद में हमारे वाइगास्की, अल्बर्ट बंडूरा जैसे साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है, जिसको हम वाइगास्की के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैविक रचनावाद के अनुसार बालक एक इंडिपेंडेंट लर्नर है, बालक एक स्वतंत्र सीखने वाला है, जिसमें कि उसके समाज या सामाजिक अंतःक्रिया की कोई खास महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। दिस इज चाइल्ड हिमसेल्फ हु कंस्ट्रक्ट हिज नॉलेज, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। जिससे समाज, वातावरण, सामाजिक अंतःक्रिया का कोई खास महत्व नहीं होता है। जीन पियाजे की आलोचना भी इसीलिए की गई हुई है कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के दौरान समाज, सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा को कोई खास महत्वपूर्ण नहीं माना। एंड दैट्स वाई जीन पियाजे हैज़ बीन क्रिटिसाइज दैट ही डिड नॉट लेट डाउन मोर इम्फेसिस ऑन सोसाइटी, सोशल इंट्रैक्शन एंड लैंग्वेज इन द कोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे की आलोचना से संबंधित प्रश्न है, तो जान लीजिए कि ये तीनों के मतलब कि नज़रअंदाज करने के कारण जीन पियाजे की को क्रिटिसाइज किया गया है। आइए बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या। तो पहले जानने, कॉग्निटिव कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय सेंसेस, हम जानते हैं ये हमारा एक संज्ञान हो गया। संवेदी इंद्रियों के द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करना एक संज्ञान हो गया, लेकिन इसी संज्ञान में जब हम अर्थ मिला देते हैं तो वह प्रत्ययीकरण या बन जाता है। संज्ञात्मक विकास के लिए जीन पियाजे ने किसे महत्वपूर्ण नहीं माना, एक प्रश्न हमने यहाँ दिया हुआ है जिसमें कि हमने तीनों को कंपाइल किया, न तो भाषा को माना, न तो सामाजिक अंतःक्रिया को माना, और यहाँ पे वातावरण नहीं होना चाहिए, सोसाइटी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को सुधार लीजिएगा, इसमें इसने गलत नोट्स लिख दिया हुआ है इसने। तो आप यहाँ पे वातावरण को उन्होंने बाद में महत्वपूर्ण माना हुआ था, क्योंकि वातावरण जो है वह उसी के साथ तो यहाँ पर बालक अपने अनुकूलन को अंजाम देता है। वातावरण से तात्पर्य उन्हें भौगोलिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश से कोई खास उनका महत्व नहीं था। जीन पियाजे ने विकास को अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। जीन पियाजे डिफाइन कर डेवलपमेंट एज अ एडॉप्टेटिव प्रोसेस विथ इन्वायरमेंट, उन्होंने वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। हमने कई बार डिस्कस किया पॉइंट को। यहाँ पर एक बात हम वाइगास्की के संदर्भ में आपको रिकॉल कराना चाहेंगे, जहाँ पर वाइगास्की ने
डेवलपमेंट को इंटरेक्टिव प्रोसेस विद सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन बताया, वहीं पर जीन पियाजे ने डेवलपमेंट को एडाप्टेटिव प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया। एडाप्टेटिव का मतलब होता है अनुकूलन, स्पेलिंग है ADAPTITIVE। जीन पियाजे ने IQ के आकलन का बहुत विरोध किया और कहा कि IQ का जो आकलन होता है वह बालक के संज्ञात्मक कौशल का सही आकलन नहीं कर पाता है। यहाँ एक बात हम आपको यहाँ पर रिमाइंड करना चाहेंगे कि जीन पियाजे ने जब साइमन बीने के इंटेलिजेंस स्केल का अध्ययन किया, उसके में उन्होंने पाया कि साइमन बीने के द्वारा जो IQ का असेसमेंट है वह बहुत ही डिस्क्रिपेंसी से भरा हुआ था, दैट वॉज डायर डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द मेंटल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। तो उन्होंने IQ का विरोध किया। तब यहाँ पर लगे हाथ हमको ये जान लेना चाहिए IQ के विरोध करने वाले कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे। पियाजे हैं, जीन पियाजे, वायगास्की, हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दिया, और थॉर्नडाइक ने भी कुछ हद तक इस बात पर कहा हुआ है कि IQ के आधार पर बालकों का अलग अलग भागों में वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक को कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के अनुसार तो उन्होंने शिक्षक के कई भूमिकाओं को बताया हुआ है, जैसे कि हम JW सेंट्रॉक की बुक पढ़ते हैं या अनिता वुल्फॉक की बुक पढ़ते हैं या बिरॉन एंड बिरॉन की चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक पढ़ते हैं, तो उन्होंने हमको साफ मिलता है जीन पियाजे ने शिक्षक के कई दायित्व को डिफाइन करने की कोशिश किया हुआ है, जैसे कि उसमें सबसे नंबर एक है फैसिलिटेटर, दूसरा नंबर है निर्देशक, तीसरा नंबर है फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक को पकड़ के बैठना है, वह है फैसिलिटेटर, जिसको हम आयोजक या एक हिंदी इसकी और आती है सुगमकर्ता, और किसी और पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सुगमकर्ता है कौन, आयोजक है कौन, यहाँ पे इस बात को स्पष्ट करना बहुत ही समीचीन है। सुगमकर्ता वह है जो बालक के संज्ञात्मक आवश्यकता के अनुसार, जो अधिगम तत्परता के अनुसार बालक के सीखने योग्य वातावरणों का निर्माण करे, सृजन करे, आयोजन करे। फैसिलिटेटर इज दैट इंडिविजुअल हु कंस्ट्रक्ट, हु फैसिलिटेट, हु ऑर्गेनाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट बाई विच स्टूडेंट कैन लर्न बाई हिमसेल्फ। जीन पियाजे ने के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार जो हमारे शिक्षण का उपागम होना चाहिए, रचनावाद का उपागम होना चाहिए। रचनावाद का उपागम क्या है, रचनावाद के संदर्भ में अगर हम बात करें, रचनावाद को सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने दिया, फिर बाद में इसको ज़्यादा हाईलाइट किया जॉन डीवी ने, और बाद में हमारे जीन पियाजे, वायगास्की जैसे और अल्बर्ट बुंडरा जैसे साइकोलॉजिस्ट ने इस पर बहुत महत्व दिया। तो कहा कि बालक ऐसा सीखने सिखाने का अप्रोच जिसमें बालक के सेल्फ लर्निंग और सेल्फ अधिगम पर ज़्यादा जोर दिया जाए, वह हमारा रचनावादी उपागम या कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, जो अधिगमकर्ता केंद्रित होता है, विच इज ऑलवेज चाइल्ड सेंटर्ड, और शिक्षण अधिगम के केंद्र में होता है। शिक्षण अधिगम के में बालक होता है, शिक्षक नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा कंट्रास्ट के लिए बता दें, थॉर्नडाइक ने डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया, प्रत्यक्ष निर्देशन का सिद्धांत दिया, जिसमें कि बालक नहीं बल्कि शिक्षक शिक्षण अध्यापन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। इसके उलट यहाँ पर हम रचनावादी में मानते हैं बालक स्वयं ही है। तो एक प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा तथा अधिगम विकास के लिए सही है, तो देख लीजिएगा क्या कर रहा है कि जो विकास है वह एक रेखीय नहीं होता है, यह चक्री होता है, जानते निर्माण, बालक अपने अर्थ का निर्माण स्वयं करते हैं या अर्थ निर्माण की प्रक्रिया जानते हैं। इसके बाद लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ये कई बार आ चुका है, बस याद रखिएगा। से जीन पियाजे के अनुसार हमने अभी हम जीन पियाजे के मेन थ्योरी पर नहीं आ रहे हैं, जीन पियाजे के पेडागॉजिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं। जीन पियाजे के शिक्षण प्रक्रिया में बालक सक्रिय होना चाहिए, तो बालक ही एक्टिव लर्नर है और बालक से ही हमें सारे एक्टिविटी को संपादित करना होता है।
तो किस क्लास को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास कह सकते हैं या किस क्लास को हम आदर्श क्लास कहेंगे? यहाँ पर आदर्श क्लास लिखा हुआ नहीं, आदर्श क्लास पढ़िए किसको, विच आर द फॉलोइंग इज आइडियल क्लास, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच लगातार अंतःक्रिया होती रहे और शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि छात्र केंद्रित हो। हम आगे प्रश्न को चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में उन्होंने तीन चार शब्दों को बताया, जो क्या बताया, आइए जीन पियाजे की, यहाँ पे मेन सिद्धांत चालू हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है वो वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो अनुकूलन एडॉप्टेटिव के कितने प्रोसेस होते हैं, तो उसके उन्होंने चार प्रोसेस बताया, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। स्कीमा की हिंदी प्रारूप है, एसिमिलेशन की हिंदी आत्मसात्करण है, एकोमोडेशन की हिंदी समायोजन या समाविष्टीकरण है, इक्विलिब्रियम की हिंदी हमारा साम्यता है। इन चारों से प्रश्न पूछे गए हुए हैं। हम अगले वीडियो में अगला स्कीमा और स्कीमा से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा न हो जाए इसलिए हम शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हुआ हमने सभी डिस्कस किया हुआ है, और कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में